व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने सीक्वलेट 3 के पाइथन कोर्स को। मतलब इस कोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सीक्वलेट 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे और डेटाबेस का भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। मतलब अगर हमने सीक्वलेट 3 का इस्तेमाल करना सीख लिया तो मतलब हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे पाइथन के जरिए। मतलब अगर आप एडवांस लेवल की पाइथन एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि डेटाबेस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए। या तो हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं फाइल्स के अंदर, या फिर हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। सबसे जो एफिशिएंट तरीका रहता है वो है कि आप डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएं, क्योंकि अगर हम फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में फाइल सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर करवाने में, तो उसमें डेटा को रिट्रीव करना, डेटा में अपडेशन करना, डेटा को डिलीट करना और कई तरह के डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। बहुत से डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो एक बढ़िया तरीका नहीं रहता हमारे पास अगर आप पाइथन के एक फुल स्टैक प्रोग्रामर बन चुके हैं। तो आपको डेटाबेस आना जरूरी है और आपको ये पता होना जरूरी है कि कैसे हम लोग को अपनी पाइथन ऐप को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो हम लोग वही देखेंगे कि क्या होता है सीक्वलाइट। ये पहली वीडियो इस ट्यूटोरियल सीरीज की, तो मैं सभी वीडियोस डालता रहूँगा और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीक्वलाइट 3 क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि सीक्वलाइट 3 जो हमारे पास होता है ठीक है, एक मॉड्यूल है जो पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक इनबिल्ट पैकेज है, आप कह सकते हैं इसे सीक्वलाइट 3 को, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं अपनी पाइथन ऐप को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है। तो मैं यहाँ पे अपने माई कंप्यूटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डी ड्राइव के अंदर जाऊँगा। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने सीक्वलेट के फोल्डर के अंदर। आपको क्या करना है, इस नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, DB ब्राउजर फॉर सीक्वलाइट। अब ये क्या है, तो हम जब अपनी पाइथन के किसी भी प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस के साथ, तो जो जो चेंजेस आप अपने डेटाबेस में करेंगे, जो जो भी ऑपरेशंस हम करेंगे, उसे हम लाइव देखना भी चाहेंगे लाइव कि वो ऑपरेशन सच में हो रहे हैं परफॉर्म या नहीं हो रहे डेटाबेस में। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस है अगर मैं इसकी बात करूँ तो, DB ब्राउजर। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी कि कैसे कैसे, वरना आप क्या कर सकते हैं मेरी सीक्वलाइट 3.1 वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने एक वन वीडियो भी बनाई है, उसमें भी मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि सीक्वलाइट 3 क्या है। एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने का एक मॉड्यूल है, तो आपको जब भी डेटाबेस के साथ अपने पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट करना है तो इसकी मदद से ही आप कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कराने मैं आपको सभी वीडियोस में क्लियर करूंगा। तो यही है बेसिकली सीक्वलाइट। तो मैं आपको बता दूं इसमें हम क्या होता है, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वलाइट 3 मॉड्यूल में रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे हमारे पास टेबल होता है टेबुलर फॉर्म में। तो जब भी बात आएगी हमारे पास डेटा को स्टोर करने की, तो हमें पहला तो एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उसमें हमें डेटा स्टोर करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। अब जब भी मैं टेबल की बात करूंगा तो आपको इस डायग्राम को विजुलाइज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें एक टेबल है, आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास एक टेबल बन चुका है, इसमें सिर्फ मैंने रोज ही बनाई है और इसी के साथ से मैं कॉलम्स भी बनाऊंगा यहाँ पे। तो कॉलम्स जो है वो नीचे को होंगी इस तरह से कुछ। तो जब भी हम बात करेंगे कि किसी के ऊपर हमने टेबल बनाया, मतलब किसी का डेटा स्टोर करने के लिए हमने टेबल बनाया, इसका मतलब कि उस किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टूडेंट नाम का किसी भी नाम का आप क्रिएट कर सकते हैं, बट हम स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। अब इस टेबल के अंदर जो रोज होती है हमारे पास, हर एक रो रिप्रेजेंट करेगी अलग स्टूडेंट का डेटा। जैसे ये रो नंबर 1 है, ये अलग स्टूडेंट का डेटा रिप्रेजेंट करेगी। ये वाली जो रो नंबर 2 है, ये अलग स्टूडेंट का डेटा रिप्रेजेंट करेगी। और जो हमारे पास होते हैं ये कॉलम्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। जैसे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मदर नेम, फादर नेम, और भी कई तरह के एट्रीब्यूट स्टूडेंट के हो सकते हैं, हेयर कलर, आई कलर। तो सिंपली जब हम बात करेंगे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स की, तो जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट किसी भी आइडेंटिटी की, वो हमारे पास रहेंगे यहाँ पे, कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स। और जब हम रोज की बात करेंगे तो हर एक एंटिटी का एक अलग अलग डेटा, अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, अलग अलग जो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी टपल की फॉर्म में, ट्यूपल कह लीजिए या टपल कह लीजिए, उसकी फॉर्म में वो हमारे पास कहाँ पे आएगी, वो हमारे पास आएगी एक रो के अंदर। तो आपको विजुलाइज कर लेना है कि डेटा जो होता है वो एक टेबल के अंदर स्टोर होता है, और जिस चीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास डेटा स्टोर होना है उसका हम एक टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर। और उसी टेबल के अंदर जो हमारे पास
एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसका मतलब है कि जो टॉप पर होंगे हमारे पास कॉलम्स, अलग अलग कॉलम्स रिप्रेजेंट करेंगे हमारे एट्रीब्यूट्स को, और जो हमारी रोज होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी कि हर एक स्टूडेंट, हर एक रोज हुआ हर एक अलग एंटाइटी की, हर एक अलग पर्सन की जो है वो क्या करेगी, एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, रिकॉर्ड कहेंगे हम इसे। तो मैं आशा करता हूँ आपको पता लग गया कि क्या होता है हमारे पास सीक्वल एट थ्री। अगली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल बनाना, तो आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टेबल एक जस्ट एक विजुलाइजेशन है कि ऐसे ऐसे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, उसमें रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, ये कंसेप्ट आपको मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।